अंग्रेजों ने जितने भी कानून बनाए उसमें एक भी कानून भारत और भारत की संस्कृति को मजबूत करने के लिए नहीं बनाया। इसलिए मैं हर साल होली के दिन अंग्रेजी कानूनों की होली जलाता हूं, हर साल जलाता हूं, और माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने लगभग 1500 अंग्रेजी कानूनों को उन्होंने भी होली जला दिया। लेकिन अभी भी कई कानून है, पारसी मैरिज एक्ट अंग्रेजों का है, क्रिश्चियन मैरिज एक्ट अंग्रेजों का है, इस शरीयत एक्ट अंग्रेजों का है। कायदे से नेहरू जी की यह ड्यूटी थी कि जब हमने कह दिया वी द पीपल ऑफ इंडिया हैव डिसाइडेड टू एस्टैब्लिश ए सोवरेन स्टेट, हमने कह दिया हम संप्रभु राष्ट्र बनाएंगे, तो उनकी यह ड्यूटी थी नेहरू जी की एक कमेटी बनाए, कमेटी बना के देश के 1950 के पहले बने सभी कानूनों को खत्म कर दे, नया कानून बनाए, ये उनकी ड्यूटी थी। उन्होंने तो वो काम किया नहीं, उनकी बेटी ने एक बहुत बड़ा महापाप किया। 1973 में इंदिरा गांधी ने एक एनजीओ बनवाया, उसका नाम है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, जिसको आप AIMPLB कहते हैं। यह कोई धार्मिक संस्था नहीं है, यह कोई सामाजिक संस्था नहीं है, यह एक एनजीओ है। लेकिन कहते नहीं सरकार के पास पावर होती है, सरकार जिसके ऊपर हाथ रख दे राई को पहाड़ बना दे, पहाड़ को राई बना दे। कांग्रेस ने एक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नाम के एनजीओ जैसे संस्थान को राई का पहाड़ बना दिया, और ऐसा पहाड़ बन गया कि जब मैं कोई PIL फाइल करता तो विरोध करने हमारे सबसे पहले वही आ जाता। हमारी जितनी पिटीशन उसमें ज्यादातर में या तो जमीयत उलमा हिंद है या पर्सनल लॉ बोर्ड है, और कुछ में तो दोनों है। ऐसे ही तलाके अहसन है, ऐसे ही तलाके बाइन है, ऐसे ही तलाके किनाया है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो ये सभी तरीके जो एक तरफा तलाक है, जो कोर्ट के बाहर हो रहे हैं, एसएमएस से, ईमेल से, व्हाट्सएप से हो रहे हैं, चिट्ठी से हो रहे हैं, टेलीग्राम से हो रहे हैं, ये सारे बंद हो जाएंगे। सबका ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स एक समान हो जाएगा, तो फायदा किसको मिला, जोर से बोलिए जरा। अभी जो उसको मात्र 15,000 रुपए पेटीएम से आया था बेनजीर को, ये बंद हो जाएगा। जो उसके बेटे अली को केवल 2,000 रुपए आया था वो बंद हो जाएगा। गुजारा भत्ता सबको मिलेगा, तो फायदा किसको हुआ। अभी मुस्लिम बेटियों को गोद लेने का अधिकार नहीं है। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम समझिए, बच्चा हुआ नहीं, गोद ले नहीं सकते, तो विकल्प क्या है, दूसरा निकाह, यही तो विकल्प है। अब आप ये बताइए, अगर बच्चा हस्बैंड के कारण नहीं हो रहा है, कमी अगर हस्बैंड में है, तो दूसरा विवाह करने पे बच्चा हो जाएगा क्या। दो कर लो, तीन कर लो, चार कर लो, क्या फर्क पड़ता है। ऐसे कई केसेस हैं जहां तीन तीन निकाह हो गए, बच्चा हुआ ही नहीं। गोद ले नहीं सकते, गोद ले लिया तो अपनी पूरी प्रॉपर्टी दे नहीं सकते, इसके चक्कर में दूसरा तीसरा निकाह करते हैं। अब हस्बैंड में अगर कमी हो गई तो सब बेकार हो गए, सौतन आ गई, घर में टेंशन बढ़ गई, घर में जो शांति थी वो शांति खत्म हो गई, रोज लड़ाई भिड़ाई शुरू हो गई। भाई स्वाभाविक सी बात है, एक ही घर में जहां एक महिला मालकिन जैसी थी, अगर उसके बगल में एक और भी आ गई। अच्छा, दूसरा इसका दुष्परिणाम, अगर दूसरा विवाह करते ही दूसरे से बच्चा हो गया तो पहले की तो कोई इज्जत ही नहीं बची, फिर तो उसका भाई ये तो बाज है, बाज है, बाज है। एक तरीके से वो घर में, सोचिए, बच्चा नहीं हो रहा था, वो महिला पहले ही मानसिक रूप से परेशान थी, बगल में सौतन और आ गई, सौतन अगर बच्चा हुआ तो वो और ज्यादा परेशान कि देखो हमारा हुआ नहीं, इसको हो गया। और फिर गांव परिवार समाज में लोग आप समझते हैं किस तरीके के ताने मारते हैं। ये UCC आएगा तो ये बंद हो जाएगा, एक पति एक पत्नी का नियम सब पे लागू होगा। फायदा किसको हुआ, हिंदू जैन बौद्ध सिख में पहले ही है, दूसरी की तरफ देखा तो 7 साल की सजा है, कर ही नहीं सकते। एक और, बेटी को भी पूरी प्रॉपर्टी नहीं दे सकते। जब मैंने PIL फाइल किया तो मेरे पास कश्मीर में अनंतनाग से फोन आया,
बोले साहब बहुत बहुत धन्यवाद, आपने पिटीशन फाइल कर दिया। हमने कहा तुम्हें कौन सा बेनिफिट मिलने वाला? कोई राशिद नाम का आदमी था जिसने फोन किया। बोले साहब हमें यह फायदा होने वाला है कि मेरे नाना मुझे प्रॉपर्टी देना चाहते हैं, लेकिन वो दे नहीं सकते पूरी पूरी प्रॉपर्टी, मामा नहीं है। नाना अपने बेटी को, दामाद को अपना घर जमाई बनाना चाहता, पूरी प्रॉपर्टी अपने बेटी के बेटे को देना चाहता, दे ही नहीं सकता। ऐसा है 1937 वाला कानून, ऐसा कानून अंग्रेज बना के गए, वो कराने दे ही नहीं सकते। अब समस्या क्या है, पांच बेटी हो गई, चाहिए बेटा, क्योंकि पूरी प्रॉपर्टी दामाद को दे नहीं सकते या बेटी के बेटे को दे नहीं सकते, तो दूसरी शादी कर लिया, दूसरा निकाह कर लिया। अब बेटी होगा या बेटा, ये किस पे डिपेंड करता है? जरा जोर से बोलिए, किस पे करता है? ये पुरुष पे। बेटी होगी या बेटा होगा ये महिला पे डिपेंड करता ही नहीं है, तो किस पे डिपेंड करता है? पुरुष पे। अब पहली पत्नी से पांच बेटियां हो गई, बेटे के चक्कर में दूसरा निकाह किया, दूसरी से पांच और हो गई, गरीबी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, समस्या बढ़ी कि नहीं बढ़ी, आर्थिक प्रॉब्लम आई कि नहीं आई, घर में कुपोषण बढ़ा कि नहीं बढ़ा, बेरोजगारी बढ़ी कि नहीं बढ़ी, सारी समस्या बढ़ रही है। यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा, बच्चा गोद लेने का अधिकार भी सबको मिलेगा, बच्चे के भरण पोषण का अधिकार भी सबको मिलेगा, तो फायदा किसको हुआ? जोर से बोलिए, विरासत का एक समान अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा, वसीयत का एक समान अधिकार देश की सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा, माता पिता की देखभाल का अधिकार भी सभी बहन बेटियों को मिल जाएगा। तो हिंदू, जैन, बौद्ध, सिख में विरासत का एक समान अधिकार है, वसीयत का एक समान अधिकार है, माता पिता की देखभाल का अधिकार है। नहीं है तो वो किसको नहीं है? हमारी मुस्लिम बेटियों को। इसलिए यूनिफॉर्म सिविल कोड आएगा तो विरासत और वसीयत का एक समान अधिकार सबको मिल जाएगा। हमने तो अभी मैं ला कमीशन में रिप्रेजेंटेशन देने गया था अपना, मैंने डिटेल एक प्रेजेंटेशन दिया, तो उस समय तो उनको मैंने ये भी कहा था, आप इसमें एक चैप्टर और जोड़ दीजिए, हम दो, हमारे दो, सबके दो, अलग से जनसंख्या नियंत्रण कानून की जरूरत ही नहीं। इसी समान नागरिक संहिता में चैप्टर 1 एज ऑफ मैरिज, चैप्टर नंबर 2 ग्राउंड्स ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 3 प्रोसीजर ऑफ डिवोर्स, चैप्टर नंबर 4 एडॉप्शन गार्जियनशिप, चैप्टर नंबर 5 मेंटेनेंस, चैप्टर नंबर 6 सक्सेशन इनहेरिटेंस यानी विरासत वसीयत, चैप्टर नंबर 9 पेरेंट्स केयर, और चैप्टर नंबर 10 पॉपुलेशन कंट्रोल यानी हम दो, हमारे दो, सबके दो। इससे वास्तव में धर्म की जय होगी और प्राणियों में सद्भावना होगी, गरीबी भी कम होगी, कुपोषण भी कम होगा, प्रदूषण भी कम होगा, अराजकता भी कम होगी, बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। और भारत का संविधान भी यही कहता है कि भारत में एक, क्योंकि सब लोग एक समान हैं, तो क्या होना चाहिए? समान नागरिक। यह हमारे संविधान निर्माताओं की मंशा थी, बाबा साहब अंबेडकर की मंशा थी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आने से न किसी की